नमस्कार दोस्तों, मेरी इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम चार सेल वाला जो टॉर्च है आपके घर में कहीं रखा होगा तो इसे आप चार्जेबल टॉर्च ज़रूर बनवा लें। और ये बहुत सक्सेसफुल है और इसका बैटरी भी बैकअप बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें चार सेल है, चार सेल का कीमत आज के डेट में करीब करीब 80 या 100 के रेंज में पड़ जाएगा। और दोस्तों अभी तो ये बैटरी मार्केट में नज़र नहीं दिख रहा है, कहीं रेडियो में भी आ रहा है तो ऐसा नहीं चार्जेबल आ रहा है। तो दोस्तों इस बैटरी के बदले हम लिथियम बैटरी को यूज करेंगे, जो कि ये बैटरी 3 वोल्ट का है। और ये जो बैटरी आपका चार बैटरी को यूज करने के बाद में 6 वोल्ट बनेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने होल कर दिया है। एक बड़ा वाला जो हल है चार्जिंग के लिए है और छोटा वाला होल है चार्जिंग इंडिकेटर के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर भी हम यूज करेंगे, जो कि आपका बैट शो करेगा चार्जिंग लगाने के बाद में कि आपका चार्ज टार्च जो है चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करेंगे चार्जिंग इंडिकेटर के लिए, और इसमें हम फिट करेंगे। यहाँ पर मैंने बल्ब को चेंज कर दिया है, जो कि 1 वाट का बल्ब हम इसमें लगा दिया है। और 2 बैटरी को आपस में पैरेलल में हम इसको सोल्डिंग किए हैं, जो कि प्लस वाला में प्लस दो दो वायर निकाले हैं और माइनस वाला में 2 वायर निकाले हैं। तो दोस्तों प्लस वाला एक वायर को हम आगे की तरफ लगा लेंगे, जो कि आपका आगे का जो बल्ब है 1 वाट का, उसके लिए हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। चलिए वायर को पहले हम निकाल दिए और उसके बाद में हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों कैसे कनेक्शन कर लेना है, दोस्तों आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दें और बगल में बेल घंटी प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने चार्जिंग सॉकेट जो है इसमें लगा दिया है, और यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर को कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, प्लस वाला पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस को हम ज्वाइंट करेंगे, जो कि 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस होगा। इसको हम प्लस वाला पॉइंट पर इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे, और माइनस वाला जो पॉइंट है माइनस वाला पॉइंट पर ब्लैक वायर को हम सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैंने यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर का माइनस वाला पर ब्लैक वायर ज्वाइंट कर दिए हैं और प्लस पर रेजिस्टेंस का कनेक्शन किए हैं। तो इसको चार्जिंग इंडिकेटर को अच्छी तरह से इसमें सेट कर देना है, और सेट करने के बाद में इसमें फेविक्विक को अच्छी तरह से चिपका देना है, ताकि जो चार्जिंग कनेक्टर है चार्जिंग इंडिकेटर हिल डुल ना करे, इसमें से बाहर निकल ना पाए। इसके लिए हम इसमें फेविक्विक लगाते हैं, जो कि फेविक्विक 5 रुपये में मार्केट में मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए इसको हम कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि चार्जिंग जो सॉकेट है माइनस वायर, और चार्जिंग कनेक्टर का माइनस वायर, और बैटरी का एक माइनस वायर जो ब्लैक वायर का है, तीनों वायर को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तीनों वायर को आपस में कनेक्ट करने के बाद में इसमें आप स्लीविंग लगाकर टेपिंग कर सकते हैं, या आप यदि घर में टेप है तो टेप भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हम पॉजिटिव वायर के कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, 4007 का डायोड जो है माइनस पॉइंट, चार्जिंग कनेक्टर जो है सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट के पॉजिटिव जो वायर है माइनस डायोड से हम कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद में क्या करना है कि जो चार्जिंग इंडिकेटर है, चार्जिंग इंडिकेटर का प्लस वाला जो पॉइंट है डायोड के माइनस से कनेक्ट कर देना है। देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर जलने लगा, और प्लस डायोड का जो प्लस पॉइंट है बैटरी का प्लस वायर जो है रेड कलर का है, डायोड के प्लस से ज्वाइंट कर देना है। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कनेक्शन रेडी कर दिया, निकालने के बाद में चार्जिंग इंडिकेटर बंद हो जा रहा है और लगाने के बाद में चालू हो जा रहा है। तो आपका ये चार्जिंग शो करेगा कि आपका जो टॉर्च है चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चलिए इसको अच्छी तरह से हम इसको स्लीविंग लगा लेते हैं, और स्लीविंग लगाने के बाद में इसको अच्छी तरह से टेपिंग भी कर लेंगे,
ताकि जो प्लस और माइनस जो वायर है वो आपस में कनेक्ट ना हो, शॉर्ट ना हो, इसके वजह से हम इसमें अच्छी तरह से टेपिंग कर लेंगे। और उसके बाद में आगे और पीछे दोनों साइड में कागज़ का टुकड़ा लगा देंगे ताकि जो बैटरी है आगे पीछे ना हो पाए। इसके वजह से अस्थाई जगह जो बैटरी है अस्थाई जगह पर पड़े रहे, इसके वजह से हम आगे और पीछे दोनों साइड में कागज़ का टुकड़ा लगा लेंगे और वायर को अच्छी तरह से इस तरह से अंदर करके और अच्छी तरह से कस लेना है। चलिए कसने के बाद में हम टेस्ट करेंगे कि कैसा इसका लाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट है, चार्जिंग है जो कि आप मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्जर से ये चार्ज हो जाएगा। और 2-4 घंटा चार्ज करने के बाद में आपका जो टार्च है महीने दिन का छुट्टी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने प्लस वाला जो वायर है, जो 1 वाट का बल्ब है, इसको पॉजिटिव वायर से हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम कसकर टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि जितने भी लोगों के घर में ऐसा टॉर्च रखा होगा, ये उस समय का बहुत महंगा टॉर्च था, 200-300 रुपया का टॉर्च मिलता था, और आज के डेट में ऐसा टॉर्च मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों क्यों ना इसको हम चार्जेबल टॉर्च बना लें ताकि सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों चलिए इसको दीवार पर टॉर्च बार कर देखते हैं, देख रहे हैं कितना अच्छा रोशनी है, रात के समय में बहुत ज़्यादा रोशनी करेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं इसका रोशनी बहुत ज़्यादा है और ये स्विच जो है सेम यही स्विच काम करेगा और ऑन ऑफ इसी स्विच ले हम कर पाएंगे, अलग से स्विच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।